हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं सिजोफ्रेनिया के बारे में, जिसका फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है, जिससे मैंने बात किया था इंट्रोडक्शन और सिजोफ्रेनिया कहते किसको है, इसके साइन और सिम्टम्स एसएवी के बारे में मैंने बात किया था। आज जो मैं बात करने वाला हूँ कि कुछ मॉडल्स और थ्योरी दिए गए थे जिनके बारे में बात करूंगा, और क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया के बारे में, जो क्लासिफिकेशन 10th में बताया गया था उसके बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन 10 के अंदर में कौन कौन से टाइप्स आते हैं सिजोफ्रेनिया के, जिसके बारे में बात करेंगे, और इसके बात करेंगे कि साइन जो कॉजेज है वो क्या क्या, किसके किसके कारण से होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो प्लीज फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में, अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज आप बैक का लेक्चर को जरूर देखें। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज और मॉडल्स दिया गया था सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड, उन सभी के बारे में जानते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो फर्स्ट लेक्चर थे उसको बहुत ज्यादा प्यार दिए। तो चलिए, इसको भी हम अच्छे तरीके से समझते हैं। बात करते हैं थ्योरी और मॉडल, इसके द्वारा क्या किया गया कि जो इटियोलॉजी है, किस किस कॉजेज के कारण से सिजोफ्रेनिया डेवलप कर रहा है, उन सभी के बारे में बताया गया है। तो जिसमें डिफरेंट प्रकार का मॉडल्स आते हैं, सबसे पहला सोशियो कल्चर थ्योरी, सेकंड इंटरपर्सनल मॉडल, थर्ड स्ट्रेस डायस्थेसिस मॉडल, या फिर इसको नेचर नेजर मॉडल के नाम से जानते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्ट्रेस डायस्थेसिस मॉडल, तो उसको क्या नाम से जानते हैं, नेचर नेचर मॉडल के नाम से जानते हैं। बात करते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी, फैमिली थ्योरी के अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे डबल माइंड कम्युनिकेशन, डिसफंक्शन फैमिली, मदर चिल्ड्रन चाइल्ड रिलेशनशिप, इंक्रीज निगेटिवली एक्सप्रेस इमोशनल फैमिली। ये बहुत ही मजेदार है। डबल माइंड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अगर जो जैसे कि मदर है वो आपको मना भी करना चाहती है, लेकिन वो क्या कर सकती है, आपको डायरेक्ट नहीं मना करती है, तो वो क्या बोलेगी कि अगर आपको खेलने जाना है तो ध्यान रखना कि आपका जो कपड़ा है वो गंदा नहीं होना चाहिए। अब ये बोल दी, अब इसका मतलब कि जब तुम बाहर जा रहे हो तो कपड़ा क्या, जब खेलोगे तो गंदा ही होगा। तो वो क्या हुआ, डायरेक्टली बोली भी नहीं और दोनों काम का कर भी दी, मना भी कर दी एक तरह से। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं डबल माइंड कम्युनिकेशन, तो उसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सोशियल कल्चर थ्योरी के बारे में। बोला गया कि डाउनवर्ड सोशियल ड्रिफ्ट, डाउनवर्ड सोशियल ड्रिफ्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सोशियल कल्चर्स है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड की ओर जा रहा है, यानी दैट लोअर सोशियल इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड हैज द हाई चांस ऑफ डेवलपिंग सिजोफ्रेनिया। सोशियल कल्चर थ्योरी में यही बताया गया है कि सिजोफ्रेनिया होने का ज्यादा चांस किसमें होता है, वैसे सोशल फैमिली जिसका क्या होता है, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो धीरे धीरे क्या है, वो डाउनवर्ड है, नीचे की ओर जा रहा है, वैसे सोशल में, सोसाइटी में या फिर और से सोशल फैमिली में क्या होता है, सिजोफ्रेनिया डेवलप करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सेकंड बात करते हैं इंटरपर्सनल मॉडल के बारे में। इंटरपर्सनल मॉडल सुलीवान के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। इसमें बताया गया था इंटरपर्सनल मॉडल में स्पेशल मदर और चाइल्ड है, उसके रिलेशनशिप को फोकस किया गया था। इसमें बोला गया कि व्हेन सेल्फ सिस्टम फील्स गुड देयर विल बी अ लो लेवल ऑफ एंजाइटी, एंड व्हेन सेल्फ सिस्टम बैड इट गिव्स हाई लेवल ऑफ एंजाइटी, एंड इफ सिस्टम फील इज नॉट मी देन इट्स लीड्स टू एपोप्लेक्टिक एंजाइटी सिजोफ्रेनिया। बोला गया कि इसमें मदर और चाइल्ड के रिलेशन के बारे में बताया गया है कि अगर जब आप अपने आप में गुड फील करते हैं तो देन आपको क्या होगा, लो लेवल ऑफ एंजाइटी होगा, लेकिन अगर आप जब अपने आप में बैड फील करते हैं तो देन हाई लेवल ऑफ एंजाइटी होगा। अगर आप इन दोनों में से कोई भी चीज फील नहीं करते हैं तो आपको क्या माना जाएगा, यह आपको किस में लेके जाएगा, ए क्लैप्टिक एंजाइटिक सिजोफ्रेनिया आता है। एक क्लैप्टिक क्या है कि एक क्लैप्टिक मींस क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों को डर होता है कि एंड ऑफ वर्ल्ड, कहीं संसार खत्म ना हो जाए, इसमें जैसे आपको डर लगेगा अगर कोई सीजन वगैरह चेंज हो रहा है जिसके कारण, या फिर कोई पेंडेमिक वगैरह आ रहा है, तो इस सभी के चिंता से आप बहुत ज्यादा डिप्रेस वगैरह हो रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं एपोक्लैप्टिक एंजाइटी सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। यहां तक फ्रेंड्स आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा ये दोनों मॉडल में। सोशल में क्या हुआ कि जो इसका जो इकोनॉमिक कल्चर है वो धीरे धीरे डाउनवर्ड जा रहा है, जिसके कारण से इसमें सिजोफ्रेनिया होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी है, अगर उसको क्या होगा इकोनॉमिक, उसका जैसे कि कोई बिजनेस कर रहा है और उसके बिजनेस का ठप पड़ जाए, जिसके कारण से उसको मनी इकोनॉमिक उसका लो हो जाए, तो देन वो पर्सन क्या होता है, डिप्रेशन में पहुंच जाता है, वो अपने आप को
स्ट्रेस फील करता है, अगर मानो वो लोन लिया है तो स्ट्रेस, डिप्रेस ये सब भी होगा, तो जिसके कारण से क्या होता है, या धीरे धीरे सिजोफ्रेनिया के डेवलप इनमें कर जाते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं स्ट्रेस डायस्थेसिस मॉडल, जिसको नेचर मॉडल बोलते हैं, और साइको एनालिटिक थ्योरीज, ये दोनों के बारे में बात। तो बात करते हैं स्ट्रेस डायस्थेसिस यानी नेचर के बारे में। यह दिया गया था सैंडर रैडो के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बोला था कि जीनोटाइप इंट्रैक्ट विद एनवायरनमेंट एंड गिव्स फेनोटाइप। बोला गया कि अगर जब जीनोटाइप को हम अगर किसके बीच एनवायरनमेंट के बीच में अगर इंट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, वह फेनोटाइप देता है। जीनोटाइप कहने का मतलब जो सेम कैरेक्टर जो शो करता है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। तो बोला कि अगर जब हम इसको एनवायरनमेंट से जब इंटरैक्ट करवाएंगे तो कैसा देगा, यह हमें फेनोटाइप देगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजोटाइप के नाम से जानते हैं। या दे आर अनेबल टू कोप विथ द रिपीटेड स्ट्रेस। ये क्या करता है, अनेबल टू कोप, जो पहले जो स्ट्रेसर जो रिपीटेड पहले बार बार जो स्ट्रेस आ रहा है उसको वह नहीं दबा पाता, कोप नहीं कर पाता है। यह स्ट्रेस डायस्थेसिस मॉडल के द्वारा बोला गया। जैसे अगर किसी को क्या है, डिप्रेशन हो रहा है तो और धीरे धीरे और डिप्रेस होते जा रहा है, वो उस डिप्रेशन को रोक नहीं पा रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कोप, मतलब नहीं रोक पाना, अनेबल टू कोप। बात करते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में कि यह जो थ्योरी है, रिग्रेशन ऑफ ओरल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट अलोंग विद द डिफेंस मैकेनिज्म सच एज डिनाइल, प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड डीओरिएंटेशन। बोला गया कि यह जो थ्योरी है, यह जो स्टार्टिंग फेज, जैसे कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट करने का मतलब कि कोई भी बच्चा स्टार्टिंग फेज में जो बच्चा वगैरह है उसके पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिलता है, जैसे डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में कि अगर कोई भी चीज अगर हम उसको बोल रहे हैं तो मना कर दे रहा है, या फिर उसके बारे में प्रोजेक्शन कोई चीज के बारे में सोच रहा है, या फिर रिएक्शन कोई भी काम करने के लिए वह सोच रहा है, या फिर डीओरिएंटेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि उथल पुथल कर देता है, ये सभी चीज के बारे में जो देखता है, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, साइको एनालिटिकल थ्योरी बोलते हैं। तो हम लोग जान गए सभी थ्योरी के बारे में। अब हम बात करेंगे फैमिली थ्योरीज के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो ICD-10 है उसके अंदर में सिजोफ्रेनिया के क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा टाइप्स आते हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं फैमिली थ्योरी के बारे में। तो फैमिली थ्योरी में सबसे पहला आता है डबल माइंड कम्युनिकेशन, जो अनेबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस, कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि करेक्ट चॉइस क्या है। तो जिसे मैंने एग्जांपल दिया सर कि मदर है, वो करेक्ट चॉइस नहीं कर पाती है कि हम अपने बच्चे को मना करें खेलने से या नहीं करें, तो इसलिए वो क्या बोली थी कि वो बोली थी कि ठीक है तुम बाहर जाओ खेलो, लेकिन क्या कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का डिसीजन देती है जब वह नहीं करेक्ट डिसीजन ले पाती है, सोच पाती है, जिसके वजह से। फिर बात करते हैं डिसफंक्शनल फैमिली के बारे में कि होलिस्टिक बिटवीन मदर्स एंड फादर्स कैन लीड चाइल्ड टुवर्ड्स सिजोफ्रेनिया, कि अगर मदर्स और फादर्स के दोनों के बीच में अगर शत्रुता है, दुश्मनी है, तो जिसके कारण से जो सिजोफ्रेनिया का कंडीशन है वो बच्चों की उम्र में देखने को मिलेगा। फिर बोला गया मदर चाइल्ड रिलेशन के बारे में कि इफ मदर इज ओवर प्रोटेक्टिव एंड डोमिनेटिंग, यानी ट्राई टू कंट्रोल द बिहेवियर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग, यानी जो मदर है वो क्या करती है, अपने आप को कंट्रोल करती है अपने बिहेवियर पर, बट वो क्या होता है, वो अपने जो फीलिंग्स है उसके बारे में नहीं समझ पाती है, बिना सोचे समझे वो बस अपने आप को कंट्रोल करते रहती है। तो इस चीज को बोलते हैं मदर चाइल्ड रिएक्शंस बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज इंक्रीज्ड नेगेटिव एक्सप्रेशन फैमिली का इमोशन इन फैमिली, कि जो फैमिली पे जो इमोशंस का जो एक्सप्रेशन है वो निगेटिवली जाता है, यानी दैट क्रिटिकल कमेंट्स एंड इमोशनल ओवर इन्वॉल्वमेंट अमॉन्ग द फैमिली मेंबर, कि अगर कोई कमेंट्स वगैरह अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे वो क्या होता है फैमिली मेंबर्स के इन्वॉल्व होते हैं, तो उस स्थान पे क्या होता है कि जो निगेटिवली एक्सप्रेस जो निगेटिवली सोच होता है, थिंकिंग होता है, वो क्या होता है हमारे फैमिली के ऊपर एक्सप्रेस होता है। तो फैमिली थ्योरीज में इन चार पॉइंट्स के बारे में बताया गया था। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं ICD-10 क्लासिफिकेशन के अंदर में कौन कौन से सिजोफ्रेनिया के टाइप्स आते हैं, सब सिजोफ्रेनिया आते हैं। सबसे पहला F20.0, जिसके अंदर में आता है पारानॉइड सिजोफ्रेनिया आता है। F20.1 में
हेमिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया आते हैं एंड F20 यानी जो सिजोफ्रेनिया को क्लासिफाई किया गया था 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक किया गया है, F20.0 से लेकर 9 तक किया गया है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिजोफ्रेनिया का नाम दिया गया है, जैसे सबसे पहला जो है F20.0 में पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, F20.1 में हेमिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, F20.3 में कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया एंड F20.4 में अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया एंड F20.5 में पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन एंड F20.6 में रेसिड्यूअल सिजोफ्रेनिया एंड F20.7 में सिंपल सिजोफ्रेनिया एंड F20.8 में अदर टाइप ऑफ जो जितने भी सिजोफ्रेनिया आते हैं वह किस में आते हैं, F20.8 सिजोफ्रेनिया में आते हैं एंड F20.9 में सिजोफ्रेनिया या फिर अनस्पेसिफाइड है वो सभी आते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जो पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन है वो कौन से ICD क्लासिफिकेशन के अंदर में आता है, तो F20.5 के अंदर में आता है पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। तो इस तरह के डोपामिन पाथवे के बारे में यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि मैं डायग्राम है सभी से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो बोला है डोपामिन पहले पाथवे क्या है, जिसके बारे में कि डोपामिन पाथवे आर द सेट ऑफ प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, कि यह जो डोपामिन पाथवे है उसको अनुमान लगाया कि हमारे ब्रेन में या एक पाथवे है या अनुमान लगाया गया कि जिसके द्वारा जो डोपामिन है वह कोई भी फंक्शन से कराने में रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे मोटिवेशन या फिर एजाकुलेशन ये सभी करवाने में होता है। अब बात करते हैं डोपामिन पाथवे चार होते हैं, सबसे पहला मेसोलिम्बिक, सेकंड मेसोकॉर्टिकल, नाइग्रोग्रिस्टेट्रल एंड लास्ट वन इज अ ट्यूबर इनफंडिबुलर। फिर से बोल दे रहा हूं, मेसोलिम्बिक, मेसोकॉर्टिकल, नाइग्रोस्टेट्रल एंड लास्ट वन इज अ ट्यूबर इनफंडिबुलर, ये चार डोपामिन पाथवे हैं। अब ये कहां कहां होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टैगमेंटम बोलते हैं, जो हमारा ये क्या है, ये मिड ब्रेन हो गया यहां से, ये से तो यहां पे क्या था टैगमेंटम था, यहां पे क्या तीन देख रहे हैं ओपनिंग है, इस तरह से तीन ओपनिंग है ठीक। सबसे फर्स्ट जो ऊपर वाले रेड कलर में देख रहे हैं, ये जो रेड वाले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ओपनिंग को, इसे हम लोग सब टेनिया नाइग्रा बोलते हैं। यहां से क्या होता है, जो ऊपर की ओर निकलता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइग्रोस्टेट्रल डोपामिन पाथवे बोलते हैं, और जो ऊपर का जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, बेसल गैंग्लियाई के नाम से जानते हैं। फिर जस्ट इसके बीच वाले से जो रीजन से ब्लू कलर से जो निकला है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं डोपामिन पाथवे, इसे बोलते हैं। और जो आगे का जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, मेसोकॉर्टिकल रीजन बोलते हैं। फिर बात करते हैं नीचे जो ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, इस पाथवे से को बोलते हैं मेसोकॉर्टिकल डोपामिन पाथवे बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और इस रीजन में ये जो ग्रीन से जो मैं डिनोट कर रहा हूं, इस रीजन में क्या पाया जाता है, ट्यूब्रो इनफंडिबुलर डोपामिन पाथवे पाया जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो ऊपर का ओरिजिन है उसको क्या बोलते हैं, सेप्टेनिया नाइग्रा बोलते हैं। यहां से जो आगे की ओर बढ़ता है वहां से नाइग्रोस्टेट्रल डोपामिन पाथवे निकलता है, आगे के पार्ट को बसल गैंग्लियाई बोलते हैं, एंड जो बीच मीडियल से उसको क्या बोलते हैं, डोपामिन पाथवे बोलते हैं, और जो लास्ट रीजन है इसको क्या बोलते हैं, मेसोकॉर्टिकल बोलते हैं। फिर बात किया नीचे वाले को कि जो ये नीचे वाले पार्ट इसको क्या बोलते हैं, मेसोकॉर्टिकल डोपामिन पाथवे बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या, हाइपोथैलेमस है, इसके जस्ट इधर बैकवर्ड पोर्शन में क्या पाया जाता है, ट्यूब्रो इनफंडिबुलर डोपामिन पाथवे पाया जाता है। अब चलिए जानते हैं इसके मेजर फंक्शन के बारे में कि ये शरीर का क्या फंक्शन है जिसके बारे में जानते हैं। तो मेसोलिम्बिक है पाथवे, ये क्या करता है, मोटिवेशन, इमोशन, रिवार्ड्स, ये सभी चीज के में क्या करता है, या फीलिंग को बताता है। और पॉजिटिव सिस्टम सिजोफेनिया का ये इसके लिए या रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन, मेसोलिम्बिक पाथवे होता है। या पॉजिटिव सिम्टम्स कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ये सभी क्या है, पॉजिटिव सिम्टम्स है। बात करते हैं मेसोकॉर्टिकल्स के बारे में कि मेसोकॉर्टिकल्स का जो डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉग्निशन एंड इजेक्यूएशन में। कॉग्निशन कहने का मतलब सोचने समझने और उसे एक
एग्जोशन कहने का मतलब उसे पालन करना, ये रिस्पॉन्सिबल कौन कराता है, मेसोकॉर्टिकल पाथवे करवाता है जो उसका डोर्सो लैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के रीजन से होता है। फिर बात करते हैं वेंट्रोमेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कि इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी इमोशन और उसके फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड वन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर निगेटिव सिम्टम जो भी है सिजोफ्रेनिया का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिंपली से बोल सकते हैं कि निगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया या फिर हमारे इमोशंस और उसके अफेक्ट्स या फिर कोई भी चीज सोचने समझने और उसे पालन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, मेसोकॉर्टिकल रीजन होता है, पाथवे होता है। एंड मेसोलिम्बिक केस में होता है पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के मोटिवेशन इमोशन और रिवार्ड को चीज जीतते हैं ये सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मेसोलिम्बिक होता है। बात करते हैं नाइग्रोस्टेशियल के बारे में कि यह कंस्टिट्यूएंट 80% ऑफ द ब्रेन डोपामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटर एक्टिविटी, कि जो नाइग्रोस्टेशियल है उसमें जो डोपामिन 80% पाया जाता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मोटर एक्टिविटी के लिए। और यह किसके लिए होता है, जो एक्स्ट्रा पिरामिडल जो सिम्टम शो करता है सिजोफ्रेनिया का उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जो नाइग्रोस्टेशियल डोपामिन पाथवे है वो किसके लिए, जो हमारे ब्रेन में 80% जो डोपामिन होता है वह मोटर एक्टिविटी के लिए और बाकी का जो होता है वो एक्स्ट्रा पिरामिडल जो सिम्टम्स होता है सिजोफ्रेनिया का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करते हैं ट्यूबर इनफंडिबुलर के बारे में, ये क्या करवाता है, हाइपर प्रोलैक्टेमिया करवाता है। हाइपर यानी ज्यादा एंड प्रोलैक्टिन को ये डिनोट करता है और एमिया यानी ब्लड, यानी हमारे ब्लड में जो प्रोलैक्टिन लेवल है उसको इंक्रीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ट्यूबर इनफंडिबुलर डोपामिन पाथवे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्रेंड्स ये चार पाथवे थे, तो इसके बारे में जरूर अच्छे से देखें, रिव्यू करके देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और यही अब हम बात करेंगे फेजेज ऑफ सिजोफ्रेनिया के बारे में कि जो कितने फेजेज होते हैं, तो तीन फेज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसमें क्या क्या चीज आते हैं और फिर उसके बाद हम आगे की ओर बात करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बात करते हैं एज ऑफ सिजोफ्रेनिया के बारे में, एज क्या है, या सिम्टम्स है जिस सिजोफ्रेनिया का, जिसमें एक आता है फोर एज जो कि एग्योन ब्लूअर के द्वारा दिया गया था। एग्योन ब्लूअर क्या थे कि वो सिजोफ्रेनिया टर्म का सबसे पहला यूज किए थे। ये क्या कहते हैं, चार सिम्टम्स के बारे में बताए थे कि वही क्या कंसिडर किया था, प्राइमरी और फंडामेंटल सिम्टम्स के रूप में माना गया था सिजोफ्रेनिया का। और दूसरा क्या है, फाइव एज जो निगेटिव सिम्टम्स है सिजोफ्रेनिया का, तो ये मेनली क्या सिम्टम्स है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला बात करते हैं फोर एस ऑफ इग्योन ब्लूअर के द्वारा जो सिम्टम्स दिया गया था उसके बारे में बात करते हैं। तो फोर एस सिजोफ्रेनिया के बारे में, इसमें चार सिम्टम्स आते हैं, ऑटोस्टिक थिंकिंग, एंड इसका मतलब क्या होता है, बिहेवियर डिनोट्स द एक्सेसिव फंटासिक थॉट्स, यानी जो इसका जो थॉट्स रहेंगे ना वो बहुत ही ज्यादा काल्पनिक होते हैं। दूसरा बात बोलेगा एम्बीवैलेंस मीन्स क्या होता है कि टेक इनएबिलिटी टू टेक डिसीजन ड्यू टू कंफ्लिक्ट एग्जिस्टिंग ऑफ माइंड, क्योंकि जो वो क्या है सही तरीके से वह डिसीजन नहीं ले पाता है क्योंकि जो उसका जो माइंड है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्लिक्ट करते हुए रहता है जिसके कारण से वो सही तरीके से क्या होता है डिसीजन नहीं ले पाता है। थर्ड नंबर अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट मूड, उसका जो मूड है उस कभी भी अस्थिर नहीं रहता है, वो इधर उधर रहता है। सेकंड लास्ट वन इज एसोसिएटिव लूजनिंग, यानी रैपिड शिफ्टिंग ऑफ वन आइडिया टू अनदर आइडिया विदाउट एनी एसोसिएशन बिटवीन दोज आइडिया, बोला गया कि वो क्या करेगा कभी ये आइडिया फिर दूसरे आइडिया, इस तरह से कहीं एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा एक आइडिया पे, वो बार बार चेंजिंग करते रहेगा बिना दोनों के बीच के समझने बिना समझे हुए कि हाँ कौन हमारे लिए एप्रोप्रिएट है और कौन नहीं है, बिना ये डिसीजन लिए हुए वो क्या करते रहता है बार बार आइडिया को चेंज करते रहता है। तो ये चार को बोला गया कि जो चार सिम्टम्स है ये प्राइमरी और फंडामेंटल सिम्टम्स है सिजोफ्रेनिया का जो कि इग्वेन ब्लूअर के द्वारा दिया गया था। सबसे पहला ऑटिस्टिक थिंकिंग, दूसरा एम्बिवेलेंस, थर्ड नंबर इज अफेक्ट, एंड फोर्थ इज अ एसोसिएटिव लूजनिंग, ये चार सिम्टम्स थे। अब बात करते हैं फाइव एस ऑफ निगेटिव सिम्टम्स के बारे में कि फाइव एस ऑफ निगेटिव सिम्टम्स के अंदर में आता है अहिंसन,
दूसरा एलोजिया, तीसरा अफेक्ट, फोर्थ नंबर एवोलियंस एंड फिफ्थ नंबर इज अटेंशन जो पुअर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनहेडोनिया के बारे में। ये क्या होता है? इन एबिलिटी टू एंजॉय प्लेजर विच सीम्स टू द प्लेजरेबल बिफोर। क्या कि वो सही से इंजॉय नहीं कर पाता है जितना कि वो पहले वो देखा है, वो उसे लगा कि हाँ चलेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वो टाइम आता है तो वह उस तरह का इंजॉयमेंट नहीं कर पाता है, उसी को बोलते हैं एनहेडोनिया बोलते हैं। सेकंड इज द एलोजिया। एलोजिया क्या है? पॉवर्टी ऑफ स्पीच, सही से नहीं बोल पाना। एंड अफेक्ट फ्लैट, कहने का मतलब कि वो लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, कि उसमें जो इमोशनल एक्सप्रेशन है वो उसका कमी रहता है, यानी जहां पे हंसी है वहां पे हंस नहीं पाएगा, जहां पे रोना है वहां पे रो नहीं पाएगा, तो उस तरह का जो इमोशंस है वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। एवोल्यूशन का मतलब लैक ऑफ इनिशिएशन टू परफॉर्म एनी एक्शन, कोई भी चीज को शुरुआत करने के लिए उसके पास जो परफॉर्म करने कोई भी एक्शन करने के लिए उनके पास क्या होता है? आइडिया वगैरह नहीं होता है, इसी को एवोल्यूशन बोलते हैं। अटेंशन यानी जो उसका जो पुअर अटेंशन रहेगा, कहीं भी एकाग्र नहीं रहेगा। तो ये क्या है? दो सिम्टम्स है, एज फोर एज सिजोफ्रेनिया एंड फाइव एज सिजोफ्रेनिया। फोर एज सिजोफ्रेनिया एग्यून ब्लूअर के द्वारा दिया गया था। ये दोनों में सिजोफ्रेनिया का सिम्टम्स के बारे में बात किया गया। अब फ्रेंड्स आगे की ओर हम बात करते हैं फेजेज ऑफ सिजोफ्रेनिया के बारे में। बात करते हैं थ्री फेजेज ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया का थ्री फेज होते हैं। सबसे पहला इज द प्रोडोमिनल फेज, सेकंड इज द साइकोटिक फेज एंड थर्ड वन इज द रेसिड्यूअल फेज। बात करते हैं प्रोडोमिनल फेज किसे बोलते हैं, कि इट इज द फर्स्ट फेज दैट अकर्स बिफोर साइकोटिक एपिसोड, सोशल विड्रॉवल एंड इरिटेबिलिटी अकर्स इन द प्रोडोमिनल फेज। बोला गया क्या कि यह जो फेज है यह सबसे पहला फेज है, यह कब अकर्स होता है? साइकोटिक एपिसोड आने के पहले यह अकर्स होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है? सोशल विड्रॉवल, यानी लोगों के साथ रहना बंद कर देगा। इरिटेबिलिटी, अगर ज्यादा भीड़ भाड़ या फिर लोगों के बीच में रहेगा तो इरिटेबिलिटी उसको होगा, इरिटेट होगा। तो ये है जो आपको प्रोडोमिनल फेज में देखने को मिलेगा। सेकंड इज द साइकोटिक फेज। इन दिस फेज अल्टर्ड थॉट्स प्रोसेस डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन डिल्यूजन आर सीन। कि इस फेज में क्या होता है कि पर्सन का जो थॉट्स, सोचने की जो शक्ति होता है वो अल्टर्ड हो जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, डिस्टर्ब रहता है उसका माइंड, एंड परसेप्शन भी बहुत अजीब अजीब लगाता है और हमेशा का डिल्यूजन वगैरह भी देखने को मिलता है। एंड थर्ड इज द रेसिड्यूअल फेज। रेसिड्यूअल फेज कब होता है? कि जब साइकोटिक एपिसोड के बीच में यह स्टार्ट होता है। ये क्या होता है? पेशेंट एक्सिबिट फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट करने का मतलब कि अब इमोशनल एक्सप्रेशन जो उसमें रहेगा वो अब खत्म हो जाएगा, सोशल विड्रॉवल होने लगेगा और ऑड बिहेवियर, अब उसका जो बिहेवियर है वो दिन प्रतिदिन बार बार चेंजिंग करते हुए रहेगा। तो ये थ्री फेजेस थे सिजोफ्रेनिया के। बार बार क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स में के राइट द थ्री फेजेज ऑफ सिजोफ्रेनिया एंड फोर ए एंड फोर अथी फोर एस एंड फाइव एस सिजोफ्रेनिया क्लासिफिकेशन सिम्टम्स। तो ये दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स में बार बार आता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में, कि टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के बारे में, कॉजेस के बारे में और इसके साइन एंड सिम्टम्स सभी के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज लास्ट तक बने रहे, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा, इसका गारंटी है। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें।